मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कन्या राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कन्या राशि के भाग्य में ग्रहों की कृपा किस तरह होने जा रही है, आपके कैरियर में किस तरह ग्रहों का बदलाव होने जा रहा है, आपके रुके अधूरे कार्य किस तरह पूर्ण होने जा रहे हैं, यह सब जानने के लिए कन्या राशि के लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि 2024 अंत तक जाते जाते अक्टूबर महीने से आपके भाग्य में किस तरह ग्रहों की कृपा होने जा रही है, किस तरह खुशियां मिलने वाली है, ये सब आपको जानकारी हो पाएगी। कन्या राशि के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शनि देव महाराज की बड़ी कृपा होने जा रही है। आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, जो आपका रुका अधूरा अटका कार्य चल रहा था वह रुका अधूरा कार्य भी आपका पूर्ण होने का समय आ गया है। आप चिंता मुक्त होंगे, आपके कैरियर में ग्रहों का बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आपके अंदर सुख और शांति का आगमन होगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने कार्य को लगन से अगर आप करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो पूर्णतया फल आपको प्राप्त होगा। संघर्ष करने की क्षमता आप में है, कभी कभी आप आलसपन दिखाते रहते हैं, आलसपन के कारण आपके कार्य बिगड़ने का चांस रहता है। इसलिए कन्या का राशि के लोग आलस ना करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई भी कार्य सूझबूझकर समझकर करें तो कन्या राशि के लोगों के लिए शनि देव महाराज की बड़ी कृपा होगी और आपके कार्य भी पूर्ण होंगे। आपका पारिवारिक सामंजस्य जो बिगड़ा हुआ चल रहा था वह अब अच्छा चलने लग जाएगा। आपके पारिवारिक सामंजस्य अच्छा होने से आपको बड़ी खुशियां मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके सब काम पूर्ण होंगे, रोजी रोजगार में वृद्धि होगी। व्यापार से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं उसमें भी लाभ होगा और भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख प्राप्त होगा, तीर्थ यात्रा के योग भी मिल सकते हैं। आपका पारिवारिक सामंजस्य बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, अपने कार्य को लगन के साथ करें तभी जो है आप सुखी रह सकते हैं, आपका परिवार सुखी रह सकता है और आपके अंदर भी खुशियां आएंगी।
आप अपने कार्य को बहुत ही लगन के साथ करें, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ देंगे, आपके घर परिवार में सुख शांति पधारेगी, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होगा। जय श्री राम।